हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी है आलू परवल की स्वादिष्ट सब्जी। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये हम 250 ग्राम परवल लिए हैं और इसको हम अच्छे से छील लेते हैं। ऊपर से हम अच्छे से छिलका उतार लेंगे। इसको फिर हम धो करके साइड कर लेते हैं। ये कुछ उबले हुए आलू हैं, अब हम इसको छील लेते हैं। परवल को हम 4 टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से। अगर बीज कड़ा हो और नहीं अच्छा लगता और नहीं खाते हो तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। इस तरह से हम सारे परवल को कट कर लिए हैं। ये अदरक और हरी मिर्च है। अब हम छिले हुए आलू को भी 4 टुकड़ों में काट लेंगे। इधर हम कढ़ाई गर्म कर चुके हैं और इसमें 1 चम्मच तेल ऐड किए हैं। अब हम इसमें परवल को अच्छे से फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। इसमें हम नमक अभी नहीं ऐड कर रहे हैं। अब ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें कटा हुआ आलू ऐड करेंगे। और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई कर चुके हैं हम इसे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इधर कढ़ाई में तेल डालने के बाद उसमें हम 1 चुटकी हींग डाले हैं और फिर अदरक और हरी मिर्च कूटा हुआ डाल रहे हैं इसमें हम। ये बिना लहसुन प्याज का सब्जी है, तो जो नहीं खाते हैं उनके लिए भी ये सब्जी बहुत ही अच्छा है, वो इस तरह से बना सकते हैं। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर रहे हैं। हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, और ये सब्जी मसाला है जो हम बनाए हुए हैं और उसका वीडियो इसमें डाला हुआ है। जीरा पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी हम ऐड कर दिए हैं इसमें। और हम इसको स्लो फ्लेम पे आराम से फ्राई करते हैं। इसमें हम फ्राई किया हुआ परवल और आलू ऐड कर देते हैं। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है साथ में। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि लगभग ये 80-90% पका हुआ है। इसमें थोड़ा सा परवल को और पकाना है। अब हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ढक करके पकाएंगे। इसमें ग्रेवी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। आपको जैसा ग्रेवी चाहिए आप वैसा रख सकते हैं। तो तैयार है हमारा आलू परवल की स्वादिष्ट सब्जी। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।